देखते हैं जो है काइन मास्टर में क्रॉपिंग टूल का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। क्रॉपिंग टूल हमारी फोटो को क्रॉप करने के लिए, शेप के लिए और भी कई एक यूज में आती है। देखते हैं अपने जो है एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ये 16:9 का रेशियो लेकर के हम जो है प्रोजेक्ट चालू करते हैं। हम यहाँ मीडिया ब्राउजर से कोई मीडिया लेकर बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड लेने के बाद हम लेयर पे जाते हैं। लेयर से कोई हम जो है कोई भी फोटो मीडिया में जाकर अपने निकालते हैं। ये हमारा फेवरेट जो है एमएलएफ में पड़ा हुआ है। देखते हैं इसमें जो है हम किस तरह से कोई फोटो को क्रॉप करना कैसे की किया जाता है। ये देखिए हमारी फ़ोटो आ गई। फ़ोटो को हम कितना क्रॉप करना चाहते हैं, कैसे जो है इस करें इसे, इसके लिए यहाँ टूल दिखाई दे रही है। इसमें आप जो है ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल पर हम क्लिक करते हैं, इसे हम जो है इनेबल कर देते हैं। अब क्रॉप टूल में ये हमें चारों साइडों में चार ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमको कितना क्रॉप करना है। जैसे कि हमें इतना इस साइड से, इस तरह से नीचे का हिस्सा है, या इतना करना है ये साइज साइड के जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसका करना है। इस तरह से हम सेट कर लेते हैं अपने को। यहाँ से जो है शेप पे जाते हैं। शेप में हमें क्या करना, गोल रखनी है या चौकोर रखनी है, या चौकोर में भी जो है किनारों पे गोल रखना है, राउंडेड रखना है, तो इस सब तरह से, या आपको ये गोल में करनी है तो आपका ये गोले में आ गया है। जिस जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं इस चीज़ को। और करने के बाद में आप और भी शेप दिखाई दे रही हैं, जैसे हार्ट में है, स्टार है, ये ट्राइंगल वगैरह जो हैं आपके षटभुज पंचभुज सब पड़े हुए हैं। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ रही हो उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा स्टार टाइप का है, इसमें कर सकते हैं। और इस करने के बाद में हम यहाँ सही के निशान पर ओके कर देते हैं, तो उसी तरह की हमारी छोटी बड़ी करके हम आपको लगा सकते हैं इसे। ये आप अपनी इमेज को जो है पूरे में रखना चाहते हैं पूरे में रख लें। ऊपर की जो है इसमें जो है कलर अगर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ रेड ले लिया, इसमें इस कलर को हम बिगनेट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप देखते हैं वीडियो को चला कर कि ऐसी कैसी लगती है। ये हमारी एक स्थिर टाइप की हो गई वीडियो। अब इसी में हम जो है ये एनिमेशन भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फेड है, तो फेड में इस तरह का आएगा। पॉपिंग है, स्लाइड राइट है। मान लीजिए कि मैंने पॉप किया, तो पॉप में ये इस तरह का आएगा। स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, स्लाइड राइट करना है तो आपको इस तरह से स्लाइड राइट आएगा। स्लाइड लेफ्ट करना है तो स्लाइड लेफ्ट इस तरह से होगा। स्लाइड अप डाउन करना है तो आपको अप डाउन भी है इसमें। क्लॉकवाइज करना है तो आपको क्लॉकवाइज भी होगा। एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो काउंटर इसमें आप जो है कर सकते हैं क्लॉकवाइज में। आप इसकी यहाँ से जो है स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 0.5 रखना है तो 0.5 में स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है, या इस तरह का भी इफेक्ट लगा सकते हैं आप। जैसे एक रखना, आप एक पर रखना चाहें तो एक पर रख सकते हैं, डेढ़ पर रखना चाहते हैं डेढ़ पर रख सकते हैं। डेढ़ में आपको इस तरह का होगा,
दो भी उपलब्ध है, ढाई भी उपलब्ध है, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। और इसमें जो है इसमें बैठ जाते हैं, इसमें हम जो है सही नहीं करते हैं, इसको बाहर निकलते हैं। इसमें आपको ओरिएंटेशन इसमें भी है, आप जैसे कि ब्लिंक शो है, अब आपको ब्लिंकिंग भी दिखाई देगी, फ्लिकर भी है, इसमें पल्स भी है। आइए देखते हैं इसमें जो है, हम जैसे यहाँ अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद फिर हम जो है इसमें जो है और भी इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा ये है फिल्टर, ये आपका पल्स में है, जिटर है, और भी है, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग में आपको इस तरह से दिखाई देगा, ड्रिफ्टिंग भी है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में क्रॉपिंग भी की क्रॉप की हुई इमेज को इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अब इस वीडियो को हम चला के देखते हैं, देख रहे हैं कैसी बनती है हमारी। अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप किसी ट्रिक जो है टिप्स जो है अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ 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 कभी ना।